ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमारा देश 73वां इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी का जश्न पूरा देश आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुंब्रा में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कट ने ध्वजारोहण किया और सलामी दी। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी मुंब्रा वासियों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक बधाई देता हूं और यही शांति और अमन कायम रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूं। इसी तरह जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर और अंजुमन इस्लाम स्कूल और बीजेपी एनसीपी कार्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मुबारक मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर चैन सुकून अनायत फरमाए और हमारे मुल्क को खूब तरक्की अनायत फरमाए और हमारे मुल्क के रहने वालों की हर तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाए। अगर दुश्मनों की बुरी नज़र हमारे मुल्क पर है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नज़रों को फेर दे, उनको ही नस्त नाबूद फरमा दे और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आज़ादी का दिन है, पूरे तमाम देशवासियों को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और आज ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन, हमारे कार्यालय और मुंब्रा दौसा के एक एक गलियों में आज 15 अगस्त के दिन आज यौम आज़ादी का दिन मनाया गया। सारा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग कुर्बान हुए हैं, लोगों ने उन्हें भी याद किया और आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन का भी त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भाई और बहन का एक पवित्र त्यौहार है। सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की प्रहार टाइम्स की तरफ से शुभकामनाएं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।